फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी देवशयनी एकादशी कब है और देवशयनी एकादशी पर धन प्राप्ति के उपाय। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा व्रत पालन करें। विष्णु सहस्त्र का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से संतान सुयोग और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन जल में आंवले का रस मिलाकर सूर्य देव को स्नान आदि से निवृत्त होकर जल चढ़ाएं। इससे आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा और प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन नारायण को कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते। ऐसा करने से घर में धन का आगमन बना रहता है और जातक को कभी भी धन की संकट से नहीं जूझना पड़ता। उसका घर सदैव धन धान से भरा रहता है। शंख की ध्वनि आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होती। इसकी ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही वहाँ तक के वातावरण में रहने वाले सभी कीटाणु नष्ट हो जाते। इस दिन पूजा के उपरांत शंख का जल पूरे घर में छिड़क देने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है। अगर आपके घर में कोई बड़ा बीमार है, बहुत बीमार है, तो ज़रूरतमंदों को फल, दवाइयां और वस्त्र दान करना चाहिए। इससे आपको स्वयं मन शांति मिलेगी और का अनुभव होगा। मान्यता है कि व्यक्ति के रोग कष्ट बढ़ जाते हुए जल्दी स्वस्थ हो जाए। इस दिन रात्रि के समय नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, कीर्तन और जागरण करने से बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिल पाता। इस दिन मंदिर में तुलसी के नीचे और नदियों के किनारे दीपदान करने से श्री हरि और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान करके घर या मंदिर में देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोषों की शांति हो जाती है। अगर आप लक्ष्मी नारायण की कृपा पाना चाहते हो, देवशयनी एकादशी के दिन संध्या में आरती अर्चना करने के पश्चात घर की उत्तर दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। सनातन धर्म में पीपल के पेड़ को पालन जगत पालन विष्णु और माता लक्ष्मी का वास कहते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें और दीप जलाकर आरती करें। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं समेत पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जगत के पालन विष्णु को शंख बहुत प्रिय है, इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन दक्षिणवर्ता शंख में जल भर के रखें और उनका अभिषेक करें। तो शुद्ध गाय के दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। एकादशी तिथि पर तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। भगवान विष्णु प्रसन्न होते उनकी कृपा पर बरसती है। अगर आप और आय के साधन मिलते हैं, अगर आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को हल्दी की 7 गांठ अर्पित करें। वहीं माता लक्ष्मी को 7 कौड़ियां अर्पित करें। पूजा के पश्चात पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ और कौड़ियों को बांधकर तिजोरी में रखें। धन का आगमन होता है। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन रात को सोते समय तकिए के नीचे एक कपूर की टिकिया रखें और दूसरी तरफ सिंदूर की डिबिया रखकर सोएं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कपूर को घर के बाहर जला दें और सिंदूर को अपने इस्तेमाल में ले लें या मंदिर में दान कर दें। अगर लाख मेहनत के बाद भी आपकी कंपनी या बिजनेस को लाभ नहीं मिल रहा है, तो देवशयनी एकादशी के दिन आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भी भोग लगाने से कुछ देर बाद उन लड्डियों को प्रसाद के रूप में बांट दें। ऐसा कर और स्वयं भी ग्रहण कर लें। अगर किसी कारणवश आपके मनपसंद विवाह में अड़चने आ रही, तो उस दिन अड़चनों को दूर कर देवशयनी एकादशी के स्नान आदि के बाद विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बैठ जाए। फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का 11 बार जप करें। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, तो देवशयनी एकादशी के स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। अगर आपके पास पीले रंग वस्त्र ना हो, तो किसी भी रंग के वस्त्र पहन लें और अपने पास एक पीला रुमाल अवश्य रखें। ये छोटा सा उपाय आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता है और परीक्षा में अच्छे मिलते, तो देवशयनी एकादशी के स्नान आदि के बाद श्री हरि विष्णु को धूप दीप आदि विधिवत पूजा कर उनका आशीर्वाद ले। अगर आपको कैरियर की को बेहतर करना और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु को मखाना और मिश्री का भोग लगाएं और विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम नमः भगवते का 108 बार जप करें। अगर आप सरकारी नौकरी परीक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो
सफलता नहीं मिल रही है तो देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु को एक जटा वाला नारियल या पानी वाला नींबू से 20 मिनट बाद वहाँ से उठा ले और फोड़कर उसकी गिरी निकाल कर परिवार के सभी सदस्यों में बांट दे, खुद भी खा ले, साथ ही उस नारियल में से निकले हुए पानी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना तो देवशयनी एकादशी भगवान को गोले या मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो 1 रुपए का सिक्का श्री हरि विष्णु की फोटो के पास रख दें, फिर पूजा के बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी कृपा से आपके ऊपर धन धान की सब और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के देवशयनी एकादशी वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 26 जुलाई 8:32 से होगी, वहीं जिसका समापन 17 जुलाई 9:01 से। इसलिए उदया तिथि में रखते हुए एकादशी का व्रत 17 जुलाई को ही मनाया जाएगा, 17 जुलाई को मनाई जाएगी। वही मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु शिव सागर में 4 महीनों के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं, जिस कारण से शादी विवाह गृह प्रवेश नामकरण संस्कार मुंडन संस्कार जैसे शुभ कार्यों में रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी का पूजा मुहूर्त 5:34 से शुरू होगा, इसके बाद सुबह 11 बजे तक रहेगा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए। देवशयनी एकादशी पर अनुराधा नक्षत्र के साथ सरस्वती योग, अमृत योग, अशुभ योग और शुक्ल जैसे योग जैसे योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे दिन बहुत ही बढ़िया है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए देवशयनी एकादशी पर अन्नदान और जरूरतमंदों को वस्त्र का दान अवश्य करें। देवशयनी एकादशी पर मौसमी फल आम, तरबूज, खरबूजा आदि चीज़ों का भी दान करना चाहिए और राहगीरों को मीठा जल पिलाएं। देवशयनी एकादशी पर गेहूँ, चावल और मूंग दाल का भी आप दान कर सकते हैं। धन्यवाद।